या पुलिस अंकल से फोटो खिंचाना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के कारण गड्ढा हो चुका है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पे आऊँ, इस जगह पे जहाँ जा रहा हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहना। सो गाइज, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कोचिंग और अभी सनसेट उग चुका है, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और अभी चलते हैं कोचिंग एंड वहाँ पे आज आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। सो गाइज, रोड का हालत चेक करो गाइज, पूरे यहाँ पे पानी पानी हो रखा है। और चलो देखते हैं आगे कैसा रोड है। फिलहाल तो मैं इधर इधर से जा रहा हूँ। तो गाइज, अभी हम लोग रेलवे के फाटक पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो यहाँ, लेकिन हम लोग यहाँ से जाते नहीं, हम लोग इधर से निकल जाते हैं एंड इधर से पूरा वहाँ जाते हैं जहाँ पे पावर हाउस दिख रहा है, उधर से जाते हैं। तो गाइज देखो, हम लोग आ चुके हैं, इधर से आए हैं, मतलब ये जो रास्ता दिख रहा है। और फिलहाल ये देख चुके पावर हाउस इधर है एंड ये भी को पसंद हुआ। और अभी मेरा पानी में पैर रखने से बचा थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं। तो गाइज, आज मैंने यही बनाया है, तो चलो अभी क्लास एंड हो चुका है, तो अभी चलते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के कारण गड्ढा हो चुका है। अगर इस पर से कोई गाड़ी का जाएगा तो वो गिरने का डर रहेगा, इसीलिए पुलिस अंकल सब वो फोटो खिंचा रहे थे अपना, मतलब सेफ्टी का उनका कोई काम होता है। तो चलो भी फटाक से घर चलते हैं एंड क्लास तो इंड हो चुका है। क्या उठा रहे हो अपना? आ रहा हूँ तेरे कैमरे में, आ रहा हूँ तेरे कैमरे में। हाँ तेरे बहुत बढ़िया से, मेरी कोई ऑडियंस नहीं है लेकिन आपकी ऑडियंस है, देख लो, पंगा मत लो मुझसे। अच्छा, बढ़िया से पंगा मत लो। देखो ट्रेन आ रहा है, आ रही है। हम लोग का काफी चैट आ चुका है, चलो खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। गाइस हम लोग का खाना आ चुका, पराठा और यहाँ पे एक पकौड़ा है शायद, जो सब्जी है। और इधर ये इंसान भी आ चुके खाने के लिए, नैंसी सो रही है गाइस। सो गाइस, फिलहाल मैं अभी लाइनिंग का प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि ये है, आप लोग नहीं समझोगे, ये होता है कि लाइनिंग सही करने के लिए होता है। अगर आप बिगनर हो तो ये जरूरी होता है कि लाइन्स में बहुत ज़्यादा ड्राइंग में खींचने होते हैं, अपर राइट राइट, तो उसमें टर्न थोड़ा गलत गलत होता है, तो इसलिए मैं अपना परफेक्ट करने के लिए ये कर रहा हूँ और वो कि वीडियो में ही देख के सीखा था। और अभी मुझे और भी करना है, लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि 4 बज चुके हैं और 5 या 6 बजे तक अपलोड करना है। तो कहिए, मैं छत पर बैठा हूँ, आराम से मज़े कर रहा हूँ, मतलब जो नेचर का वाइब होता है वो ले रहा हूँ, लेकिन उधर तो ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, पेड़ पौधा का नामो निशान नहीं इधर, और गांव का तो बात ही कुछ अलग है। और आप लोग बताना मुझे ब्लॉग में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये चीज़ बताना एंड चेक कर सकते हो मैं शेयर गाइस। और फिलहाल अभी ऐसे ही बैठा हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो हम लोग किसके साथ दूध दे रहा है। आज फिर से एन सी आई, एक सेकंड दिखाता हूँ, आज फिर से दोबारा एन सी आई एंड ये रहे रोशन भैया एंड सामने सनसेट हो रहा है और सामने बच्चे लोग भी गेम भी खेल रहे हैं। और इधर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब खेत खेत है, कभी इधर घूमने चलेंगे लेकिन रोशन भैया लेके ही नहीं चलते उधर घुमाने के लिए, क्या ही कर सकते हैं आप। गाइज आज मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पे आऊँ, इस जगह पे जहाँ जा रहा हूँ एंड भाई आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा, जो कि हमारे सामने देख सकते हो हनुमान जी। अच्छा से आप लोग को दिखाता हूँ एंड बहुत दिनों से मेरा मतलब मन था कि यहाँ पे आऊँ, विजिट करूँ एंड दर्शन करूँ हनुमान जी का, तो चलो आप लोग को पूरा दिखाता हूँ वहीं पे जाके अच्छे से। अभी पहुँच गया एंड देख सकते हो अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन पे ही चल रहा है, हनुमान जी देख सकते हो एंड सामने अंदर भी है मंदिर। फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए और आज मैं लिटरली नहाया नहीं था इसलिए मैं अंदर नहीं गया, पूजा नहीं कर सकते एंड इधर खेत सब का हाल देख सकते हो, जो कि हवा की वजह से या बारिश की वजह से पूरा झुक चुका है। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं खेती के बारे में। अभी मैं गेम खेल रहा था और भाभी जी अभी लेके आई खीर और इधर पकौड़ा है, पकौड़ा ही है ना, क्या चीज़ है ये? अच्छा रोल है, रोल रोल बोला मैंने, आपको सुनाई नहीं, देख सकते हो भैया अभी स्ट्रीम कर रहे हैं और अभी मैं आराम से बैठा हूँ। और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय गाइस।